नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आज हम आपके लेकर आए हैं यूपीएससी में निकली हुई भर्ती के बारे में। यूपीएसएससी के द्वारा भर्ती जारी की गई है और इस पोस्ट को यदि आपको अप्लाई करना है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे कि आप किस तरीके से इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो और जॉब पा सकते हो जो कि यूपीएसएससी में हो रही है। तो दोस्तों, देखा जाए तो ये जो भर्ती है असिस्टेंट चकबंदी ऑफिसर और असिस्टेंट रेक्टिफिकेशन ऑफिसर के पोस्ट के लिए हो रही है। और भी यहाँ पर पोस्ट की जानकारी हमें आपको आगे हम आपको बताएंगे, और उसके पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस लाल सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि यदि आप बेल आइकन को प्रेस करोगे तो ही आपको जॉब्स के जो अपडेट्स है आते रहेंगे, वरना आपको जॉब्स के जो अपडेट्स है नहीं आएंगे और आप लेटेस्ट वैकेंसीज से वंचित रह सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो यूपीएसएससी के द्वारा ये भर्ती जारी की गई है और असिस्टेंट चकबंदी ऑफिसर असिस्टेंट रेक्टिफिकेशन ऑफिसर के पोस्ट की वैकेंसी है। पे स्केल आपको 9300 से 34800 तक आपको वेतन मिल जाएगा। पोस्ट का नाम जैसे हमने कहा मार्केटिंग इंस्पेक्टर, सप्लाई इंस्पेक्टर, असिस्ट गार्डनिंग ऑफिसर, अपर डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, नगर पंचायत, ऐसे बहुत से वैकेंसीज है। यहाँ पर पोस्ट वाइज पेमेंट चेंज हो रहा है, जैसे आपकी पोस्ट वैसे आपको पेमेंट यहाँ पर मिल रहा है। पोस्ट जो है अच्छे खासे है, तो जो भी हमारे उम्मीदवार अप्लाई करना चाहते हैं देर ना करिएगा, जितने जल्दी आपसे हो सके इस पोस्ट को अप्लाई करिएगा। एज लिमिट 18 से 40 साल है, यानी 18 से अधिकतम 40 साल के उम्मीदवार इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन यहाँ पर अप्लीकेबल है, तो आपको आपके एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगी। एससी एसटी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का, और पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर रखा गया है। जनरल तथा ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर आपको अप्लीकेशन फी भरनी है जो कि 225 रुपीज़ है जनरल तथा ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए। एससी एसटी एक्स सर्विसमैन तथा फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अप्लीकेशन फी है 105 यानी 105 रुपीज़ आपको अप्लीकेशन फी पे करनी है, और 25 रुपीज़ अप्लीकेशन फी है पीएच यानी पर्सनली हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए। और तो जल्द से जल्द आपका आवेदन जो है भेज दीजिएगा, और ये अप्लीकेशन फी जो आपको यहाँ पर भरनी पड़ेगी वो आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के द्वारा पे कर सकते हो। स्टार्टिंग डेट अप्लाई करने के लिए 30 जनवरी 2019 है और अधिकतम आप 19 फरवरी 2019 तक इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। तो 19 फरवरी तक आपके पास टाइम है, तो जितना जल्दी आपसे हो सके इस पोस्ट को अप्लाई करिएगा और आपका अप्लीकेशन निश्चित कर लीजिएगा, क्योंकि ये सुनहरा मौका वापस नहीं आएगा। यूपीएसएससी के द्वारा ये भर्ती जारी की गई है और ये आप यहाँ पर देख सकते हो। एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स की जानकारी यहाँ पर आपको बताई गई है। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना है, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करनी है, और फी पेमेंट करना है, और आपका अप्लीकेशन निश्चित कर लेना है। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है इनका पालन आपको करना है, तो ही आपका जो अप्लीकेशन है यहाँ पर अच्छी तरीके से सबमिट कर सकते हो। आवेदन शुल्क के बारे में यहाँ पर हमने जैसे बताया कि 225 रुपीज़ यानी 225 रुपये अप्लीकेशन फी आपको भरनी है, और साथ ही साथ यहाँ पर और भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जिनका पालन कर आसानी से इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आपको आना है और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है यहाँ पर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर आपको आपका रजिस्ट्रेशन जो है करवाना है, और उसके बाद ही आपका जो अप्लीकेशन है निश्चित कर सकते हो। तो जो भी हमारे उम्मीदवार इस पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं जल्द से जल्द आवेदन कर आपका एप्लीकेशन निश्चित करें। आशा करते हैं वीडियो आपके पसंद आई होगी। हम मिलेंगे आपके साथ ऐसे किसी और वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।